चलती हुई ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उड़ीसा के कटक की रहने वाली सोनी कुमारी ने पुरी जयनगर एक्सप्रेस में एक बेटे को जन्म दिया। गर्भवती सोनी अपने परिवार के साथ कटक से बिहार के समस्तीपुर जा रही थी। तेज रफ्तार ट्रेन बालासोर स्टेशन को पार कर जब खुर्दा रोड स्टेशन पहुंची तो सोनी बाथरूम में गई। वहां उसे प्रसव पीड़ा हुई और कुछ ही देर में उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। उस वक्त रात के लगभग 8 बजे थे। सोनी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी। उनके साथ उनका पति और करीबी रिश्तेदार भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी तुरंत टीटी या रेलवे पुलिस या किसी को इस बारे में खबर नहीं दी। थोड़ी देर बाद रेलवे अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तब सोनी को अस्पताल भेजने की पहल की गई। कितना बार बोलेंगे? बच्चा कहाँ है? बच्चा लगभग 9:30 बजे ट्रेन को मेदिनीपुर स्टेशन पर रोका गया और रेलवे की तरफ से डॉक्टर और एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसे मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने की कोशिश की गई, लेकिन सोनी के पति और उनके रिश्तेदार राजी नहीं हुए। बेहद गरीब और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सोनी कुमारी के घर वालों को रेलवे के अफसरों ने समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेदिनीपुर स्टेशन पर लगभग 1.5 घंटे तक ये नाटक चलता रहा। आखिरकार रेलवे अधिकारी परिवार को समझाने में कामयाब रहे और रात लगभग 11 बजे मां और नवजात बच्चे को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें प्रसूति वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके बाद ट्रेन अपने मंजिल की तरफ रवाना हुई। बच्चे का मामी का ठीक है तबीयत, किंतु बच्चा लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसका वेट इतना कम है, खूब मैंने 1 kg समथिंग होगा, इतना माफिक है, 1 kg थे के एक तो बेसी होगा। खुर्दा रोडे वहीने बाथरूमे होए गए थे, अखान देखना बच्चा माँ ठीक है अच्छे, किन्तु बच्चा टा एक तो ये अच्छे मैंने लैक ऑफ ऑक्सीजन टाइप का अच्छे, तो क्या हॉस्पिटलाइज इमीडिएट করা প্রয়োজন। এরা কি চাইছে? এরা চাইছে না, এই নিয়ে এখন 1 ঘন্টা এরকম ডামাডো। এটা যদি না নিয়ে যায় তাহলে মূর্খামি বাচ্চার মানে বাড়ির লোক। আমার নাম ডক্টর টিকে ঘোড়ায়।